नए जमाने की नई करेंसी क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम, लिंक और दूसरे क्वाइंस पर कैसे करें ट्रेड, क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना फाउंडर इंडिया और क्वाइन डीसीएस की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर। तो क्वाइन डीसीएस के साथ मिलकर हमें करते हैं शो की शुरुआत और आज मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। पहले हैं समरवीर, उनसे हम बातचीत करेंगे, फिर दूसरा अतीक फारूकी भी हैं। आज उन दोनों से बातचीत होगी और उन दोनों को आप अपनी अपनी तस्वीरें भी इस समय देख पा रहे हैं। अतीक, कल तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, और समरवीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपसे आज बातचीत होगी, मजा आएगा आपसे आज बातचीत करके और कुछ पॉइंट्स और कुछ फॉल्ट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अपनी स्क्रीन को कर रहा हूँ जरा शेयर, और स्क्रीन को शेयर करने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ बिटकॉइन और अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उसके बीच ट्रेडिंग मूव्स क्या हो रहे हैं, उसके अंदर रेंज क्या चल रही है, ये सब चीजें मैं आपको जरा पहले एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। ये वेबसाइट है, आप वहीं से मैंने सीधा मैं स्पॉट के अंदर जाके देख रहा हूँ सारी की सारी चीजें, उसके अंदर क्या क्या चीजें देखी जा सकती है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपका पेज अलग तरीके से खुलेगा, अगर आप नॉन रजिस्टर्ड हैं तो आपका पेज थोड़ा सा अलग तरीके से खुलेगा। फिलहाल क्योंकि मेरे को ओटीपी डालना है तो मैंने अपने फोन को बंद किया हुआ है, तो मैं ओटीपी रिसीव नहीं करूंगा, तो मैंने सीधा नॉन रजिस्टर्ड वाली जगह पे जाके खोला है और वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं देखने की, समझने की। ये आपके सामने पूरा का पूरा बिटकॉइन का चार्ट और इसमें सारी चीजें आपको आती दिख रही हैं। ये हमने कुछ चॉइस पहले से कर रखी थी जो हमको चाहिए था, हमने बार बार देखा क्योंकि आज अतीक का मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, समर व्यू से भी हम पहली बार बात कर रहे हैं। तो समर अतीक, दो चीजें मैं थोड़ा आपको पहले बता देता हूँ, इसमें हम करते हैं हमारे में ट्रेडिंग और अर्निंग का कंसेप्ट है, यानी कि लर्निंग भी है और अर्निंग भी है। इसमें ये कहते हैं कि आप भाई बातें भी कर लेते हैं और साथ ही साथ ट्रेड की बातें भी करते हैं। खाली ट्रेड की बात करेंगे तो फिर सीधा सीधा ये टिप्स वाला बिजनेस हो जाएगा, खाली पढ़ाई की बात बोलेंगे तो पास हो जाएगा, उसको बड़ी मुश्किल से छोड़ के आए हैं यहाँ पर, बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे। तो ये हम दोनों का थोड़ा फायदा कर दिया हमने और लर्निंग और अर्निंग वाले कंसेप्ट में है। बिटकॉइन से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, हमने जो शुरुआत यहाँ से की थी उसमें करीब 12-13 लाख का बिटकॉइन था, चलते गए रिट्रेसमेंट हमने देखी, ये रिट्रेसमेंट बहुत स्ट्रांगली थी, कुछ एक टेक्निकल पैटर्न था जिसमें हमने स्टॉक्स RSI डाला है, एवरेजेस डली हुई है बाय डिफॉल्ट है, और साथ ही हमने यहाँ पे बोलिंगर बैंड भी एक डाला हुआ है। तो रिट्रेसमेंट दिखे, रिट्रेसमेंट का साइडवेज हुआ, साइडवेज में एक छोटा सा डिप भी हमको दिखा, ये एक डिप बनी हुई है कॉइन डीसीएस के अंदर, तो उस दिन लो भी लग गया था 10-12 लाख का, लेकिन ये ठीक है, वापस बिटकॉइन ने मेंटेन किया, नई जर्नी आई, साइडवेज रिट्रेसमेंट को थोड़ा गैप के साथ ऊपर आया, फिर से रिट्रेसमेंट आई, फिर से गैप के साथ ऊपर आया, फाइनली 21 लाख पे हम आ गए। हमने शुरुआत कब से की है आपको बताना है, चैनल ड्रॉ करना, उसमें 11-12 लाख का बिटकॉइन हुआ करता है, यानी कि अगर आप मैं इसको डेली चार्ट ताकि इसको अगर वीकली चार्ट कर दूं तो आपको दिख जाएगा जो चीजें बताना चाहता हूं, जो चीज मैं दिखाना चाहता हूं। आप अगर 2019 से आप समझ लीजिए, मोटा मोटी यहीं से समझिए आप, 2019 के अप्रैल मंथ से लेके 20 के सितंबर मंथ तक, करीब कुछ सितंबर महीने में थोड़ा और आगे आ जाता हूँ, चलिए तो अक्टूबर तक आ जाता हूँ, तो करीब करीब 1-1.5 साल में पूरी तरह से सुस्त अवस्था में रहा, इसका एवरेज जो था जो मीन जो था वो करीब करीब 7.5-8 लाख बिटकॉइन। लेकिन अगर आप अक्टूबर से लेकर सिर्फ दिसंबर में भी खत्म हो रहा है क्वार्टर देखोगे, इसका मूव 8 लाख से 21 लाख है, करीब करीब 3 गुना है। ये पावर है क्रिप्टो की, ये पावर है कॉइन्स की, ये पावर है बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी में लीगल किंग होने की, ये सारी पावर उसने अपने आप को शो किया। ये पिछले 3 महीने के अंदर बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजों को हमने डिस्कस भी किया, एक बार मैं अतीक से भी समझ लेता हूँ और सभी से भी समझ लेता हूँ कि ये सारी चीजें क्या है। पेपाल भी आया, बहुत सारी सरकारों ने कहा कि हम इसको देखना चाहते हैं, फिर US के इलेक्शन भी हुए, डोनाल्ड ट्रंप मानते नहीं थे तो वो हट गए, बाइडन साहब बहुत अच्छी राय तो नहीं रखते लेकिन नेगेटिव नहीं है वो आ गए, चाइना ने कहा हम देश में डिजिटल करेंसी को खड़ा करना चाहते हैं
75% ऑफ द कंट्रीज जो यूरोप की हैं वो डिजिटल करेंसी को बहुत अच्छी तरह से लागू करती हैं। भारत के अंदर एक्सेप्टेंस बहुत अच्छे से नहीं हुई, लेकिन विरोध बंद हो गया। विश्व की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, पॉपुलेशन के हिसाब से सेकेंड बड़ी कंट्री है। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं जो बिटकॉइन को कर रही हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग लगती है वो ये होता है कि देश के और वर्ल्ड लेवल पे जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट हैं, जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो, किसी ने 15%, किसी ने 20% बिटकॉइन में शिफ्ट किया है। हम कुछ और को माने ना माने, कम से कम उन लोगों की अकल को, उन लोगों की मेहनत को यहाँ तक तो समझ सकते हैं, यहाँ तक वो पहुंचे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ कमा के नई इनोवेशन करके। अगर वो ही ऐसा कह रहे हैं कि हम अपने टोटल असेट क्लास को 15% 20% बिटकॉइन में डाल रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं, तो यही हमारे लिए सफिशियंट होता है। आपका घर का सबसे बड़ा आदमी, पैसे वाला धनाढ्य आदमी कह दे कि भाई मैं तो ये फलानी फलानी बिजनेस से पैसा लगा रहा हूँ, तो फिर आपको सोचने की जरूरत थोड़ी होती है। आप सिर्फ फॉलो करो और अपने रिस्क मैनेजमेंट करो, नेक्स्ट वो आपको उसने रास्ता दिखा दिया। प्रतीक, आपसे आज शुरू करते हैं। तो बिटकॉइन की जर्नी कहाँ जाकर रुकने वाली है? ये 25 लाख कहीं और तो मैं एक चीज पता है सर, मैं आपको बहुत, आपसे आज मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, रिटेलर को मिस आउट फीलिंग तो है सर, कि उससे मिस हुआ है। जिसने भी 8.5 लाख 9 लाख 10 लाख में भी बिटकॉइन डाला हो तो भी समझ में आता है, लेकिन इसके बाद ना तो डालने की हिम्मत थी और चला भी बहुत स्पीड से, तो एक मिस आउट वाली फीलिंग है। सब लोग ये चाहते हैं कि हे भगवान, बस किसी तरह से बिटकॉइन नीचे आ जाए, मैं एंटर कर जाऊं, फिर बिटकॉइन को जितनी तेजी से चलाना है चलाओ। आप मैं एंटर करने से रह गया हूँ कि जगह पर हाथ नहीं डाला जाता। तो अधिक अगर आप मेरे को पहले बता पाए तो आप बता दीजिए, अगर आपसे शुरुआत नहीं करनी, अगर समर पहले बताना चाहें तो समर बता सकते हैं। कि जिन लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि मिस आउट फीलिंग है, उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, समर पहले आपसे शुरू करते हैं। ओके, सो गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून, यस। सो मेरे हिसाब से सर, इस बार जो रैली चल रही है, जो बुल रैली 2020 की है, उसमें काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है जो 2017 की रैली थी। सो अभी भी अगर रिटेलर्स, जिन भी रिटेलर्स को ऐसा लग रहा है कि वो मिस आउट लग गए या फोमो फील कर रहे हैं करंटली इस टाइम में, तो अभी भी मतलब अगर आप काफी जो ट्रेडिशनल फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो अभी भी आप उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखें या उनकी अभी भी जो टाइम होराइजन वो लेके चल रहे हैं अपने साथ, तो वो काफी लंबे टाइम के लिए इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में एंटर हुए। क्योंकि अगर आप चेक करें कि माइक्रो स्ट्रेटेजी का जो अभी एवरेज बिटकॉइन प्राइस चल रहा है जो उनके फंड के अराउंड, तो वो 18,000 से $19,000 के अराउंड पर बिटकॉइन का प्राइस है जो उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो और जो ये जेफरीज हो गए, जेपी मॉर्गन हो गए, मतलब जो ट्रेडिशनल वाले काफी हाई फाई नेम्स अपन सुनते थे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स में, तो उनके जो टारगेट आ रहे हैं वो एटलीस्ट भी मतलब six digits, five digits के अराउंड है। सो आई मीन आज ही अभी मैं पढ़ रहा था, एक जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, तो उनने अभी जो टारगेट दिया वो $600,000 के आसपास का दिया। सो अभी भी मेरे हिसाब से बुल रैली जो काफी देर तक, आई मीन टू 2021 तक कंटिन्यू रह सकती है। सो अभी भी यही स्ट्रेटेजी रिटेलर्स की रहनी चाहिए कि कुछ भी डिप आता है, अगर 25% का भी डिप आता है बिटकॉइन के प्राइस में, तो दिस शुड स्टार्ट, आई मीन एंटरिंग दिस इनटू दिस इंडस्ट्री। समर, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 25% का डिप मिल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं 25% के डिप की वेट करते हम अगले 25% और मिस कर दें? सर एक्चुअल में डिप एक स्पेसिफिक पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये वाला बॉटम बन गया, इसके बाद से ये बाउंस बैक करेगा। जो एक्चुअली ये आई मीन डिप वाली जो स्ट्रेटेजी होती है, आपको कपल ऑफ मतलब उसमें रिसेशंस में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको 5% 10% का डिप मिल रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा स्टार्ट मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उसके बाद से वापस 5-10% वापस थोड़ी सी वीकनेस आती है ट्रेंड में, तो वहां से आप वापस कर सकते हो। बट जो मैक्रो आई मीन फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के इस टाइम जो चल रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। आई मीन करंटली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की इतनी ज्यादा बाइंग हो चुकी है, जो अभी आई मीन पूरे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री जो क्रिप्टो मार्केट्स का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 700 बिलियन अराउंड चल रहा है। तो उसमें एटलीस्ट भी 100 बिलियन 110 बिलियन सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ही मार्केट साइज है। सो इस हिसाब से अगर अपन देखा जाए तो काफी ज्यादा फंडामेंटल जो फैक्टर्स हैं वो काफी स्ट्रांग लग रहे हैं अभी क्रिप्टो मार्केट पे।
तो 15% 20% डिप आपको ऐसा तो है नहीं कि वो कंटिन्यूअसली आई मीन बुल रैली है ऑब्वियसली, बट देयर विल बी सम डिप्स फॉर द रिटेलर्स एंड आई थिंक दे शुड स्टार्ट एंटरिंग इनटू दिस क्रिप्टो मार्केट। समर फिर क्या एक चीज हम ये कर सकते हैं, एक हमारे पास तरीका होता है जो टिपिकली मार्केट्स वाले बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, वो होता है SIP। हम SIP मोड से क्या हम शुरू कर दें, क्योंकि उसमें महंगे में भी हो जाएंगे सस्ते में भी हो जाएंगे, इसी अगर यहाँ से भी चला तो सरप्लस होगा, अगर डिप हो जाएगा तो हो सकता है हमको तब भी इन्वेस्टमेंट मिल जाए। तो हम क्या SIP इस मोड से शुरू कर सकते हैं, या फिर एक काम ये करें कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि जब जब भी मेजर डिप आए मार्केट के अंदर वी डू इन्वेस्ट कि तब हम इन्वेस्ट हो जाए बजाय SIP नहीं करते। एक तरीका ये भी हो सकता है हमारे पास कि जिस भी मेरे को लगेगा कि हाँ मेरा बिटकॉइन 10-15% का डिप दे रहा है आई विल डू इन्वेस्टमेंट, तो मैं थोड़ा बहुत पैसा डालूंगा, फिर 10% आया फिर मैं पैसा डालूंगा, फिर 10% आ रहा नीचे फिर मैं पैसा डालूंगा। तो SIP शुरू करूं या मैं ये डिप्स को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करूं? सर द मोस्ट आइडियल स्ट्रेटजी राइट नाउ विल बी आई मीन जो डिप्स की है उसकी वेट करनी चाहिए और उस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बट द प्रॉब्लम मोस्टली आई मीन रिटेलर्स के साथ ये होती है कि वो एक्चुअली जो डिप है वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं कर सकते। तो जो SIP वाली स्ट्रेटजी है 10,000 पर मंथ या 20,000 पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक काफी अच्छा एवरेज प्राइस बनता चलेगा, ठीक है, और जिस हिसाब से भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तो उस हिसाब से आपको 1-2 ईयर टाइम होराइजन के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। बट मेरे हिसाब से अभी के लिए जो स्ट्रेटजी है अभी आप थोड़ा सा वेट करें क्योंकि मार्केट्स आर करंटली लिटिल ओवरबॉट, एटलीस्ट वेट फॉर दिस डिप, देन यू अगर ये डिप अगर आती है मतलब 15% की डिप अगर अपन को मिलती है $25,000-$26,000 के आसपास तो आई थिंक तब आपको एंटर करना चाहिए, चाहे आप तब आप चाहे 10,000 पर मंथ के हिसाब से SIP स्टार्ट कर सकते हैं या फिर वही आप डिप्स के हिसाब से भी एंटर हो सकते हैं मार्केट में। समर एक टिपिकली क्या होता है, हमने ना टेक्निकल्स भी यहाँ पे काफी सारे लोगों को बताया समझाया भी कि आप इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि जिस समय बुल रन शुरू हो रहा था तभी हमने प्रोग्राम शुरू किया और हमें टेक्निकली ये समझाते हैं, या सारी ड्राइंग्स आप देख पा रहे होंगे पुरानी ड्राइंग्स है, लेकिन हम इसमें से मैं सिर्फ एक ही चीज को उठा रहा हूँ, वो है सिर्फ 200 दिन की मूविंग एवरेज। और 200 दिन की मूविंग एवरेज अगर आप आवरली चार्ट पे देख रहे होंगे, क्योंकि मैं इसको थोड़ा आवरली बेसिस पे देखता हूँ, तो वो 19,70,000-75,000 के आसपास आ रही है, यानी कि करीब 20,25,000 INR में, मैं बिटकॉइन को देख रहा हूँ में, तो 19,25,000 के आसपास आ रही है। तो क्या मैं 19,25,000 की बिट डाल के रखूं, अभी 21,00,000 है, ये करीब है अभी 1.25 लाख का एक झटका प्रोबेबिलिटी है, बिट डाल के रखूं चल जाएगा मिल सकता है भाव? हाँ सर, मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है ये कि वेट करनी चाहिए डिप, और 20,00,000 जो आप बता रहे हो कि 200 की मूविंग एवरेज है, अगर अपन उसको $ में भी देखें तो वहां पे प्राइस चल रहा है $25,000, राइट? सो अगर $25,000 है वहां पे 200 की मूविंग एवरेज भी है और काफी एक क्रूशियल लेवल है क्योंकि काफी देर इसने सस्टेन करा था $25,000 के नीचे, तो काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वो एक्ट करेगा, और 25,000 वैसे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। So, ये वाली चीज मेरे हिसाब से काफी एक बिल्ड आप अगर लगाना चाह रहे हैं तो ट्रेड करना चाह रहे हैं तो 25,000 मतलब 20,00,000 जो भी प्राइस आ रहा है INR में उसमें आप कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं मार्केट में, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रही है हमारे भी। और वैसे भी अगर आप थोड़ा डेरिवेटिव डाटा भी देखें डेरिवेट पे तो ओपन इंटरेस्ट जो है 25,000 पे वो काफी ज्यादा मैसिव पुट राइटिंग हुई हुई है अभी, इतना क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्ट सारे बने हैं तो ओपन इंटरेस्ट इतना खुल के नहीं आ रहा, बट काफी ज्यादा जो अभी हाईएस्ट पुट राइटिंग दिख रही है मुझे तो वो $25,000 पे है, तो वो मतलब एक तरह ये जस्टिफाई करता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट होगा नियर टर्म के लिए। सो डेफिनेटली आई थिंक कि अगर आपने बिड लगाई है 20,00,000 के अराउंड सो काफी अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। ठीक है, ये आपको मैं फिर से करके दिखा सकता हूँ या बता सकता हूँ, आप देख भी रहे होंगे अपनी अपनी स्क्रीन पर आवरली चार्ट, जैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको ये 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, EMI हमने लगाई हुई है, ये 19,71,000 के आसपास आ रही है। एक और चीज है बुलिंगर बैंड का टॉप एज, जिसको हम ओवरवेटेड कहते हैं ना, वो टिपिकली बुलिंगर बैंड का जब टॉप एज को हम टच करते हैं तो वो आपको बताता है। एक और चीज जो मेरे को अभी दिखी है वो हल्का सा स्लाइटली रिट्रेसमेंट है, आप इस जगह पर आप देखोगे ना थोड़ी सी स्टीम कम हुई है, ये बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि अब हम फेस्टिवल सीजन के अंदर है एटलीस्ट यूरोप के हिसाब से, क्योंकि नया साल है वहां पे फंड्स थोड़े टिपिकली बाहर चले जाते हैं 10-15 दिन छुट्टी पे। तो लेकिन मैं पहले भी ये बात कह रहा था कि ये साल हर मायनों में थोड़ा एबनॉर्मल है, तो इस मायने में भी आपको एबनॉर्मल दिखेगा कि दिसंबर के अंदर ही
और 31 तारीख के आसपास से अब देखना हाई बनाएगा। और कुछ वैसा ही हुआ कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर ही हमने नया हाई 21 लाख, जो कि INR फॉर्म में बता रहा हूँ, वहां पे आपको आते हुए दिखा। एक और चीज जो मैं इस एवरेज को एक सपोर्ट इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि टेक्निकल में एक चीज भूली जाती है, जो रेजिस्टेंस होता है वो बाद में अच्छे से पक्का सपोर्ट बन जाता है। ये रेजिस्टेंस आपको पीछे दिखेगा, जैसे आप चार्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये रेजिस्टेंस जिसको हमने बगैर एक मार्क भी किया हुआ था, ये एक आपका रेजिस्टेंस था, रिट्रेसमेंट था, साइडवेज कंसोलिडेशन था, तो वो आपके काम आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो आप चाहें तो धीरे धीरे करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा पेशेंस, लेकिन एक बात आप हमेशा ये बात अपने मन में घर कर लीजिए अगर आपको नहीं हो रहा हो, कि एक राउंड ऑफ अ तेजी बिटकॉइन की वो मिस हो चुकी है सबसे। जिसने भी नहीं खरीदा वो ये बात अपने आपको मान ले कि उसकी एक राउंड ऑफ अ तेजी बिटकॉइन की वो मिस कर चुका, भले ऐसे 50,000 हो जाए, लेकिन ये बात वो कड़वा सत्य है, चाहे कैसे मर्जी आप समझो सर, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन ये है सत्य कि एक राउंड ऑफ अ तेजी बिटकॉइन की हम छोड़ चुके हैं। अतीक हमारे साथ होंगे, एक बार अतीक को भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर वो है हमारे साथ तो एक बार इथेरियम का पॉइंट ऑफ व्यू उनसे लेते हैं। अतीक बहुत शुक्रिया, हाय, थैंक यू वेरी मच, आज आपसे बातचीत करके अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इथेरियम पे आपका एक व्यू चाहिए होगा मेरे को अतीक, क्योंकि इथेरियम भी हमने ऐसा देखा है कि काफी लोगों का, इनफैक्ट मेरा भी ऐसा मानना है, मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि जिन लोगों के मिस आउट फीलिंग है ना कि हमने बिटकॉइन को छोड़ दिया या बिटकॉइन की रैली में से मिस हुई है, हम सोचते थे कि वो इथेरियम से काफी हद तक हम पूरी कर सकते हैं, इथेरियम में है वो इतना दम कि इससे हम वो शायद पूरी कर जाएं। इसमें आपका व्यू पॉइंट क्या है, क्या बिटकॉइन सपने पूरे कर सकता है? थैंक यू काल्या जी, पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, और बहुत अच्छी चीज आपने इनिशिएटिव लिया है कि एटलीस्ट आप जो है इंडियन कम्युनिटी को क्रिप्टो के बारे में भी जो है एक राइट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल और फंडामेंटल्स जो भी हो जी। तो एक्चुअली अगर BTC की बात करें, जैसे अभी पहला डिस्कशन अभी समर के साथ हो रहा था, इज इन ट्रेड ऑफ टीम, इज अ रिसर्च एनालिस्ट, तो अभी नो डाउट आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि पहली रैली हम लोग मिस कर चुके हैं बिटकॉइन में, जो कि एक अच्छे लेवल का हम एंट्री ले सकते थे, और ये हमेशा हुआ है। मैं क्रिप्टो में आई थिंक मोर देन 5 ईयर्स हो चुका है, मैं 3 साइकिल देख चुका हूँ क्रिप्टो की, 3 वेव देख चुका हूँ, ठीक है, फ्रॉम हाई टू बॉटम एंड फ्रॉम बॉटम टू एंड न्यू हाई, ठीक है। आज हम हाई पे ही चल रहे हैं और एक हर मतलब डेली एक नया हाई देखते हैं, ठीक है, डेली ऑल सारे सोशल चैनल्स पर हम देखते हैं कि नाउ बिटकॉइन इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। तो बिटकॉइन का जितना भी अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री भी निकालेंगे या टेक्निकल प्रोस्पेक्ट निकालेंगे या किसी भी एंगल से देखेंगे, तो जब बिटकॉइन का मूव शुरू होता है तो फिर दैट इज क्रेजी रन, ठीक है, फिर एवरीबॉडी इज सिटिंग आउटसाइड ऑफ द क्रिप्टो वॉचिंग द प्राइसेज ओनली, सिर्फ प्राइस वो देख रहा होता है लेकिन वो खरीद नहीं पाता, क्यों? क्योंकि वो डेली उसमें 2 लाख का मूवमेंट, 3 लाख का मूवमेंट इंडियन टर्म्स में अगर बात करें, ठीक है, मतलब इफ यू टॉक अबाउट डॉलर टर्म्स, अगर डॉलर टर्म्स की बात करें तो $1,000, $1,500, $2,000 का एक दिन का मूव है BTC का। तो सही बात है, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये बहुत बड़ा टास्क होगा कि उस रैली में हम जो है किसी पॉइंट पे एंटर कर पाए। बात अब ऐप की अगर करें, जैसा कि आपने मुझसे जो है सवाल पूछा, तो अभी भी ऐप में बेटर लेवल है एंट्री के, और इन हर क्रिप्टो में इन्वेस्टेड रिटेल इन्वेस्टर यही सोचता है कि BTC की रैली रुक जाए तो मैं ऑल्ट्स में पोजीशन बनाऊं, और सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा BTC का मूव मिस कर देता है क्योंकि वो ऑल्ट्स ज्यादा रहता है कंपैरेटिवली BTC में। और अब एफ की अगर बात करें तो एफ एक अच्छे लेवल पे है जहां से एंट्री अब जो है एक्युमुलेशन बनाया जा सकता है, जैसा कि आपने बताया कि SIP के थ्रू, तो एटलीस्ट 50% ऑफ पोजिशन अगर BTC में आप नहीं बना पाए तो 50% अपना फंड अब एथ को बाय करने में लगा सकते हैं एक अच्छे लेवल पे। अभी भी डिप आया है, कल आई थिंक $750 गया था इंडियन प्राइस, आई डोंट नो, मैं USD में ट्रेड करता हूँ बेसिकली, तो $750 गया, और उसके बाद आज भी अच्छा खासा जो है डिप आया है, करेक्शन आया है आई थिंक, तो आज भी अच्छे प्राइस पे USD चल रहा है, तो यहाँ से एंट्री अब एक्युमुलेशन जोन पे बन सकते हैं, क्योंकि BTC में मुझे अभी जो लग रहा है कि थोड़ा साइडवेज हो सकता है,
थोड़ा सा एक ब्रीफ रैली ऑल्ट्स के लिए, तो अभी थर्सडे को ऑप्शन एक्सपायरी भी है, ठीक है, न्यू ईयर भी है, तो एक साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं बीटीसी में, तो उसके चलते थोड़ी बहुत रिकवरी हम ऑल्ट्स में देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन, तो सबसे पहले एथ का मूव देख सकते हैं, ठीक है। तो एथ का कल हमने रैली देखी भी, और जैसा कि आपके चार्ट्स में दिख रहा है कि सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, ठीक है, आपने जो बॉलिंजर बैंड भी लगाया उसके भी ऊपर चल रहा है, और एवरीथिंग सीम्स पॉजिटिव ऑन द चार्ट। तो ये बहुत अच्छा लेवल है जहां पे हम जो है एफ यूएसडी को बाय कर सकते हैं। हालांकि लेवल तो अराउंड 590-600 पे हम जो है बाय कर सकते थे, एक हैवी बाइंग कर सकते थे, लेकिन नो डाउट हमने वो मूव मिस करा, लेकिन अभी भी इट्स नॉट अ लेट, हम अभी भी यहाँ से 25% पोजिशन बना सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि एक बार अगर अराउंड 680 और 650 तक के प्राइस फिर से टच करते हैं और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, अगर वहां पे आता है तो दैट वुड बी अ गुड बाइंग, नो डाउट, फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। लॉन्गर टाइम फ्रेम मीन्स लाइक फॉर अ मंथ और फॉर अ टू मंथ वी कैन ऑल्सो सी द क्रेजी मूव इन एट ऑल्सो। अतीक सर, हमने एक चीज और इस ड्यूरिंग डिस्कशन और कई महीनों की एनालिसिस के बाद ये लगा कि बीटीसी एज अ किंग है, मोर देन 50% से ज्यादा पोजीशंस उसमें ही रखने चाहिए, ऑल्ट कॉइंस मैक्स टू मैक्स आप 40% रखो, 60% आप बीटीसी या इथेरियम के अंदर अपनी पोजीशंस को रखो, क्योंकि ऑल्ट कॉइंस का भरोसा नहीं होता, सीजनल प्ले है, बीटीसी एवरग्रीन है, वो साल भर में चलेगा, सीजनल ऑल्ट के साथ एक सीजन है, गर्मी का सीजन है, चलेगा, फिर वो सूखा पड़ जाएगा वहां पे, बिल्कुल आप कई साल तक का भी सूखा देख सकते हैं, ये रिपल के अंदर हमने साफ देखा है, खैर अब तो सेक्शंस में आके फंस गया है। सर, मैं आपसे वैसे ही बात पूछूं कि मैं आज की डेट में एक 5 लाख या 10 लाख का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं, मैं ये बात अपने माइंड में एक कॉर्नर में हमेशा रखूंगा, बीइंग एज एन इंडियन, बीइंग एज एन ह्यूमन टेंडेंसी, कि भाई मैं कहीं फंस तो नहीं रहा हूं, कहीं मैं सबसे ऊपर वाले रेट पे तो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जब पिछली 2017 से पहले आपने देखा होगा जब बिटकॉइन के अंदर तेज गिरावट आई थी, तब लोगों को ऐसे ही लगा कि ये तो फेक है यार, ये तो ऐसे ही होना था, ऐसे आप ऐसे लगा दिया आपने पैसा, कई लोग आपस में जब चर्चा करते तो ऐसे ही बोलते थे, अरे फालतू में आपने ऐसे पैसे लगा दिया, आपको पता ही है जिसका हाथ पांव नहीं है, जिसकी आर्टिफिशियल करेंसी है, जिसको एक्सेप्टेंस तक नहीं है, तो ऐसे ही गिरनी थी, लेकिन इस बार चीजें अलग है, इस बार बेस बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक्चुअली पहले वो 2017 की रैली और आज की जो 2020 की रैली, उसमें बहुत डिफरेंस है। अभी सबसे पहली चीज तो ये है कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आ चुका है क्रिप्टो में, लोगों ने अपनी गोल्ड की पोजीशंस को काट के क्रिप्टो में मूव कराया अपना फंड, ठीक है। तो जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आप इक्विटी मार्केट से है, आपका बढ़िया बैकग्राउंड है, ठीक है, आपको मालूम है कि जो है कैसे ट्रेड होता है, तो सेम अब क्रिप्टो में भी, क्रिप्टो मार्केट भी जो है मैच्योर हो रही है, लोग इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ रहे हैं जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर अभी की बात करें तो अभी इस लेवल पे आई डोंट थिंक सो कि आपको लग रहा है कि महंगा है। आज की रैली और 2017 की रैली में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि अभी सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव है, जैसा कि आपने बहुत सारी न्यूज बताई, ठीक है, अभी सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव है, चार्ट भी बढ़िया दिख रहे हैं, लेवल्स भी बढ़िया है, अभी नो सरप्राइज कि हम 30,000 के लेवल बहुत जल्दी देख ले बीटीसी में, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ यूएसडी में स्टार्ट करना चाहूँ अपना पोर्टफोलियो, तो क्या मैं चिल्ली में 2 लाख लगाता हूँ, मैं 5 लाख लगाता हूँ, मैं 10 लाख लगा सकता हूँ, मेरा अपना पोर्टफोलियो है, तो मैं पहले 2 कॉइन जिसको चुनू, तो वो पहला बीटीसी और इथेरियम ही चुनू, या फिर इसके इतर भी कुछ आप और सजेस्ट करोगे? बीटीसी और एथ सर, बिल्कुल, नो डाउट, ठीक है। इफ यू सी ऑन कॉइन मार्केट कैप, ओके, दीज आर द टू लेजेंड्स, जैसे कि हम इक्विटी मार्केट में कभी बात करते हैं निफ्टी और इंफोसिस की बात करते हैं, ठीक है, तो दे आर द लीडर्स, ठीक है, ये लीडर्स हैं, तो हम हमेशा लीडर्स को चुनेंगे, ठीक है, ये नहीं कि हम कोई जो है शेयर हमें सस्ता मिल रहा है तो इसमें ज्यादा मेरे पास आ जाएंगे। एक इंडियन मेंटालिटी ये भी होती है कि यार ये सस्ता है, ये मेरे पास ज्यादा होगा, मेरे वॉलेट में ये ज्यादा दिखेगा, बीटीसी तो यार कितना सा ही आएगा 2 लाख में, ठीक है, तो ये एक ट्रेडर की मेंटालिटी होती है रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल क्राउड की, तो ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन मेरी बेट हमेशा जो है पहले दो एसेट्स यही होगी,
कि आपका पहला पोर्टफोलियो में बीटीसी और एक्स तो होना ही चाहिए। मैं ट्रेड डॉग यही मैं बता रहा हूँ कि 2017 के बाद जब क्रैश हुआ मार्केट में, तो बियर ऑल अराउंड बियर हर कहीं की तरफ सुने, तो वहां से क्रिप्टो खत्म होने जा रहा था आफ्टर क्रैश, ठीक है। हमने 3000 के लेवल भी देखे, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया। तो ट्रेड डॉग को बनाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद यही था कि ये कालिया जी बिल्कुल फ्री में मॉडल है, आप भी जाइए लॉग इन करिए, प्लेटफॉर्म को देखिए, बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं मोर देन 1.5 ईयर्स, ठीक है। प्रीमियम मॉडल है, कुछ नहीं चार्ज कर रहे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है अपनी एडवाइस अपनी रिसर्च बता रहे हैं कि किस चीज में और कैसे इन्वेस्ट करें। अब उस तरह से ना इन्वेस्ट करें कि अगर मेरा पड़ोसी जो है XRP खरीद रहा तो मैं भी XRP ही खरीद रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा पड़ोसी BTC में ट्रेड कर रहा तो मैं भी, नो लॉजिक नो फंडामेंटल। लेकिन हाँ, अब इंडियन भी बहुत मैच्योर हो गए, पीपल लाइक CoinDCX, वजीर है, ठीक है, ये सब इतने इतने प्रोजेक्ट इंडिया के जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका नाम हो रहा है, ठीक है, मैटिक नेटवर्क है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब इंडियन भी बहुत मैच्योर हो गए, वो भी बहुत प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो नो डाउट। लेकिन अभी हम लोग ईयरली, इसीलिए आपके चैनल से मैं बता देता हूँ लोगों को भी, एक ईयरली टॉप 5 पिक्स हम लोग जो है दे रहे हैं अपने यूजर्स को, ठीक है। वो टॉप 5 पिक्स जो है, पहला BTC होगा, दूसरा इथेरियम होगा, तीसरा BNB होगा, ठीक है, चौथा कोटी होगा और पांचवा यान फाइनेंस होगा। आज की प्राइस आप नोट कर लीजिएगा, और ये रिलीज हो चुकी है, और इनफैक्ट अभी आप BNB का चार्ट देखेंगे तो आई थिंक हम लोग ने परसों ये रिलीज की है, तो आई थिंक 10% का मूव ऑलरेडी आप BNB में देख सकते हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम BTC, BNB USD आप लगा सकते हैं, BNB USDT। तो अपार्ट फ्रॉम BTC देख पा रहे हैं इसको भी, अच्छा चलिए बढ़िया है, INR में भी देख सकते हैं। तो अब ये ब्रेकआउट के वर्ज पे है वेरी सून, और ब्रेकआउट हो भी गया, बस ये एक रेंज आपने पहले ही सेट कर रखी है, ये रेंज टूटी गई ऑलमोस्ट, तो एक अच्छा मूव यहाँ से बहुत ही सून आपका पैसा डबल हो जाएगा। ये बट डू योर ओन रिसर्च, हम हमेशा कहते हैं हमारा ये आइडिया है, लेकिन ये दिस इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आफ्टर BTC और एफ, अगर BTC और एफ के बाद अगर कुछ आपको ट्रेड करना है, आपको बहुत मन है कि मुझे ऑल्ट्स में ट्रेड करना ही करना है, ठीक है, BTC के बाद, तो एफ, BNB, कोटी एंड यान फाइनेंस, इस पे बेट कर सकते हैं, हैवी बेट। 75% ऑफ योर फंड कैन बी एक्युमुलेटेड हियर, फिर भी आपको 25% बचाना है तो फिर वो आप अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा सजेशन ट्रेड डॉग की तरफ से यही सजेशन होगा आज के लिए। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, जाते जाते अच्छे से आपने सारे कॉइन्स को समअप भी किया, और मेरे को लगता है कि नए साल का गिफ्ट ही आपकी तरफ से है, जो आपने 5 कॉइन्स दे दिए हैं कि आप इसको ध्यान में रखिएगा। समर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने भी समय निकाला, बहुत अच्छे से आपसे बातचीत हुई। एक्चुअली आज सिर्फ बातचीत थोड़े फंडामेंटल, थोड़ा लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ अधिक सर आपसे भी, समर सर आपसे भी, कि आप दोनों हमारे साथ कनेक्टेड ही रहेंगे आगे चल के भी, और हम बहुत बेहतर तरीके से इस पूरे क्रिप्टो करेंसी को और अच्छे से मैनेज करके बात करके और आप सब दर्शकों के सामने भी रखेंगे। और आप बिलीव करेंगे इक्विटी मार्केट के कई सारे हमारे दर्शक अब क्रिप्टोज में ट्रेड करने लग गए हैं इसी कार्यक्रम को देख के ही, इससे पहले तक वो शायद वो नहीं कल्पना भी करते होंगे कि उनको कभी क्रिप्टोज में भी करना होगा, क्योंकि 50% चीजें तो इक्विटी जैसी ही है, जो 50% चीजें हैं वो हम सब आपके साथ मिलकर सीख लेते हैं, तो दोनों का काम हो जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर हम और बेहतर तरीके से इस प्रोग्राम को डिजाइन करके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फारूकी सर, बहुत बहुत शुक्रिया समर, आपका भी आज कार्यक्रम जुड़ने के लिए, थैंक यू। थैंक यू, ओके। तो ये क्रिप्टो करेंसी का शो था, उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम भी आपको पसंद आया होगा, आज दोनों मेहमान नए थे लेकिन अच्छे से उनसे हमारी बातचीत हुई। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार, कल आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे।